चैनल। तो आज जो मैं आपके साथ रिव्यू शेयर करने वाली हूँ वो ओलिविया लिक्विड फाउंडेशन का रिव्यू है। सॉरी, मैं आपके साथ रिव्यू खाली शेयर नहीं करूँगी, आज मैं इसके साथ रिव्यू प्लस डेमो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो गाइज, ये लिक्विड फाउंडेशन मैंने amazon.com से परचेस किया था गाइज, और ये आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सिर्फ 100 रुपये में फाउंडेशन है गाइज। इसका जो प्राइस है वो ओनली जस्ट 100 रुपीज़ में है। तो गाइज, इसका जो लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेंशन कर दूंगी, अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो आप वहां से जाकर के इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, ये आपको हर जगह अवेलेबल मिलेगा, आपको आप चाहे किसी लोकल मार्केट से इसे खरीद सकते हैं। ये मुश्किल से आपको बोलते हैं वो 120 के आसपास, लेकिन 100 रुपीज़ में आपको ये आराम से दे देते हैं गाइज। इसमें 3 शेड आते हैं, 1-2-3 के भी शेड आते हैं, बहुत से लोग 1-2-3 के नाम से भी बेचते हैं इसे, लेकिन इसका जो मेरा जो शेड है वो 3 नंबर का शेड है, 3। तो गाइज, इसको आप किसी भी ओकेशन में यूज़ कर सकते हैं गाइज। आप ये मत सोचेगा कि ये 100 रुपये का फाउंडेशन है तो ये फुल कवरेज नहीं देगा आपको या बहुत जल्दी निकल जाएगा या आपको ऐसा कुछ लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। बिलीव मी गाइज, ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, 100 रुपये में आपको फुल कवरेज फाउंडेशन मिल रहा है गाइज। और अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहती है तो प्लीज़ गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दें। और हाँ, प्लीज़ गाइज बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो गाइज, चलिए बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। ओवरऑल इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है गाइज, और ये जो है पूरा लिक्विड मतलब एक ग्लास बॉटल में आती है। इसका ये प्लास्टिक का इस पर एक ये कैप है गाइज, और उस कैप को अगर हम हटाएंगे तो भी ये बहुत प्यारी सी छोटी सी मतलब एक लिक्विड फाउंडेशन है। और इसमें जो लिखा है मैंने आपको बताया था, इसमें प्राइस होगा 120 के आसपास लिखेगा, लेकिन ये आपको लोकल मार्केट में 100 रुपीज़ का मिल जाएगा, और ऑनलाइन भी परचेस करेंगे तब भी आपको 100 रुपीज़ का ही मिलेगा। तो वो आपकी मर्ज़ी है, आप चाहे तो इसे ऑनलाइन लें या आप चाहे तो इसको मार्केट से भी जा करके ले सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका डेमो। मैं इस ब्रश की हेल्प से इसमें थोड़ा सा फाउंडेशन लूँगी, तो ये आप देखिएगा, ये मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन पिक किया है इस ओलिविया के बॉटल से। तो ये मैं अपने फेस पे थोड़ा सा डैप डैप करके लगाऊंगी। मैं आपके सामने अपने हाफ फेस पे इसको लगाऊंगी और हाफ ऐसे छोड़ दूंगी। गाइज, मैंने अभी तक कुछ भी अपने फेस पे नहीं लगाया था सिवाय मॉइस्चराइज़र के। मेरा फेस बिल्कुल क्लीन है इस टाइम पर, तो मैं आपको ये डैप डैप करके लगा करके दिखा रही हूँ। तो आप देखिएगा इसका कवरेज आपको कैसा लगता है, मैं आपके अपने हाफ फेस पे आपको लगा करके दिखाऊंगी, तो अच्छे से फाउंडेशन को लगा के आपको दिखाऊंगी, ताकि मैं अपने हाफ फेस पे ही आपको लगा के दिखाऊंगी ताकि आप अच्छे से खुद देख सकें कि इसका कवरेज वाकई में हाई कवरेज है या नहीं। तो मैंने इस ब्यूटी ब्लेंड की हेल्प से वैसे तो गाइज मैं आपको पहले ब्यूटी ब्लेंड की हेल्प से लगा करके दिखाऊंगी, उसके बाद मैं आपको ब्रश से भी लगा कर दिखाऊंगी, जिससे आपको ईजी लगे आप अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। आप खुद देख लीजिए गाइस इसका कवरेज, आपको खुद पता चल जाएगा इसका कवरेज कैसा है। वाह, ये में फुल कवरेज है गाइस, देखिए देखिए गाइस, ये मैंने जो लगा के आपको दिखाया, मैंने अपने हाफ फेस पे ही आपको लगा करके आपके सामने ही दिखाया है। तो इधर मैंने कुछ भी नहीं लगाया हुआ है, और मेरे बहुत ज़्यादा इस टाइम पर पिंपल्स हो रहे हैं, तो उसको भी इसने बहुत अच्छे से कवर किया। ये मैंने सिर्फ फर्स्ट लेयर लगाई है, आप चाहें तो इसके ऊपर सेकंड लेयर भी लगा सकते हैं अगर आपको और ज़्यादा कवरेज चाहिए। ये लगा करके इस पर ही दिखाती हूँ, शायद आपको तब ज़्यादा समझ में आ जाए। ये एक वन लेयर के कवरेज का फाउंडेशन आ रहा है। मैंने दोबारा से उसी बॉटल में से मैं एक बार फिर दोबारा से पिक करूँगी, और मैं आपको दिखाती हूँ उसी ब्यूटी ब्लेंड की हेल्प से। फाउंडेशन है ये सच में फुल कवरेज फाउंडेशन है, आप देख सकते हैं। बहुत ही इजीली ब्लेंड हो रहा है गाइस, बहुत ही इजीली से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपनी ब्यूटी ब्लेंड की हेल्प से। अब आप खुद देख के बता सकते हैं कि मेरा इतना फेस जो है वो ओलिविया लिक्विड फाउंडेशन से मैंने कवर किया है अच्छे से, ये देखें। और ये मैंने नहीं किया है, मैं इसको भी कवर करूँगी, बट मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से नहीं करूँगी, फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से इसको मैं
अपना जो बाकी का बचा हुआ फेस है उसको भी इसी लिक्विड फाउंडेशन से कवर करके करके यहाँ पे लगा दिया है। इस ब्रश की हेल्प से अपने फेस को गाइस जितने अच्छे से ये ब्यूटी ब्लेंडर से की मदद से ये अच्छे से हो रहा था ना, उतना ब्रश से नहीं हो रहा, ये ब्रश से उतना नहीं हो रहा जितनी हेल्प से आप ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से कर लेंगे ना। इसे टैप टैप करके मैं कर लेती हूँ इसको अच्छे से। तो गाइस आप देख सकते हैं, यू कैन सी मेरे जो जितने भी डार्क सर्कल एरिया थे या मेरे जो मतलब पिंपल्स के निशान थे वो सब इसने कवर कर लिया। आई लव गाइस, आई लव, ये इतना अच्छा फाउंडेशन है वाकई में। ये सिर्फ कहने के लिए फुल कवरेज नहीं है, ये वाकई में फुल कवरेज फाउंडेशन है। और 100 रुपीज़ में आपको फुल कवरेज फाउंडेशन मिलना आज के टाइम पे तो थोड़ा मुश्किल ही है, बट ये मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप इसको फाउंडेशन को एक बार ज़रूर यूज़ करें। और ये ज़्यादा का तो है नहीं, 100 रुपीज़ का आता है। तो गाइज 100 रुपीज़ में फुल कवरेज फाउंडेशन आप देख रहे हैं गाइज, यू कैन सी मेरे सारे डार्क सर्कल, मेरे जितने भी पिंपल्स के निशान थे वो सब इसने हाई कर लिए हैं। आप देख रहे हैं मेरा फेस कितना ही ज़्यादा शाइनिंग कर रहा है, ये दिख रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ गाइज, इसमें जो एक ना छोटी छोटी सी सिमर जैसी है गाइज, वो लगाने के बाद मतलब बिल्कुल ऐसे ब्लिंग ब्लिंग सी कर रही है फेस को। और ये देखिए गाइज ये बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस है, कोई ऐसा नहीं लग रहा फेस फाउंडेशन लगाने के बाद आपको केकी सा नज़र आता है, कुछ देर के बाद फटाफटा सा चेहरा नज़र आ जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। ये बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल अच्छे से मेरे फेस में अब्जॉर्ब हो गया है बहुत ही अच्छे से। और आप खुद ही देख रहे हैं लाइव की मेरा जो फेस है वो काफ़ी हद तक इसने कवर कर लिया है गाइज। और मैंने सिर्फ इसकी सेकेंड लेयर ही लगाई थी, वो भी बहुत हल्की हल्की सी, तो इसने सेकेंड लेयर में ही आप ये बहुत अच्छी कवरेज दे दी है इसने। और गाइज एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि बहुत से लोग समझते हैं कि ये फाउंडेशन ज़्यादा देर सस्ता है तो ज़्यादा देर टिकेगा नहीं, तो मैं आपको फिर दोबारा से इस बारे में बता दूँ कि ये जो फाउंडेशन है ये आपसे कम से कम आपको 4 से 5 घंटे का कवरेज पूरा देगा, जब तक आप इसको खुद से नहीं हटाएंगे ये नहीं हटेगा। और गाइज ये वाटरप्रूफ फाउंडेशन है, ये 200% वाटरप्रूफ फाउंडेशन है गाइज। आप चाहें तो इसको मतलब यूज़ करने के बाद अपने फेस पे आप धो के भी दे, जब तक आप रफ नहीं करेंगे या आप किसी आपने खुद से क्लीन नहीं करेंगे अब तक ये फाउंडेशन कहीं नहीं जाएगा गाइज। और ये ऑलिव स्किन के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर मतलब ऑलिव स्किन है वो उसके लिए ये बहुत ही अच्छा फाउंडेशन लग रहा है। तो मेरे फेस पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैंने बहुत ज़्यादा कुछ धूप लिया हो गाइज, सच में मुझे तो बहुत पसंद आया। मैंने भी इसको फर्स्ट टाइम ट्राई किया है बट मैंने इतना अच्छा कवरेज अभी तक इतने मतलब 100 रुपीज़ में नहीं देखा गाइज। और मैं एक चीज़ और दिखाऊंगी, मेरे हल्के से ये डार्क सर्कल से भी है, इसको भी मैं थोड़ा सा हाइड करके दिखाती हूँ, मुझे लगता है ये भी हाइड हो जाएगा गाइज। तो ये मैंने थोड़ा सा फाउंडेशन लिया है और मैं इसको अच्छे से अपने अंडर आइज़ पे कवर करूँगी, तो मैं देखती हूँ कि ये मतलब मेरे जो डार्क सर्कल है उसको कवर करता है या नहीं। तो ये मैं अपने सामने आपको लगा कर दिखा रही हूँ गाइज, सिर्फ डार्क सर्कल के लिए करना तो चाहिए। मैं ब्यूटी ब्लेंड की हेल्प से दोबारा से उसी से मैं इसको यूज़ करके देख रही हूँ भाई, क्योंकि मेरे डार्क सर्कल इस टाइम पर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं इसको कवर करके देखती हूँ कि ये एक कंसीलर का काम करता है या नहीं। वाह, ये ब्लेंड करने में इतना इजी है कि आपको ज़रा सी भी दिक्कत नहीं होने वाली है, इतनी आसानी से ब्लेंड हो जा रहा है, बहुत ही आसानी से, आपको इतनी दिक्कत आई नहीं रही है गाइस, आएगी भी नहीं। देखें गाइज ये मैंने, वाह यू कैन सी गाइज अमेजिंग, इतना अच्छा फुल कवरेज गाइज, मैं तो इसकी फ़ैन हो गई हूँ यार। ये तो कंसीलर का भी काम कर रहा है। अगर आपने ये फाउंडेशन खरीद रखा है या खरीद रहे हैं या खरीद लें तो आपको अलग से कंसीलर खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इस एक फाउंडेशन से अपना फाउंडेशन बेस भी लगा सकते हैं और आपके जितने भी डार्क सर्कल होंगे या आपके पिंपल्स के निशान होंगे वो सब कवर कर देगा। आप मेरे फेस पे देख रहे थे इससे पहले, काफ़ी पिंपल्स के निशान है मेरे फेस पे, पिंपल्स भी हो रहे हैं, वो सब इसने हाइड कर लिया है गाइस। और ये देखिए मेरा डार्क सर्कल तो इसने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गाइस, सच में गाइस ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है। प्लीज़ गाइस मैं आपको हाईली रिकमेंड करती हूँ इस फाउंडेशन को ज़रूर परचेस करिएगा गाइस। और अगर और 100 रुपीज़ में ऐसा फाउंडेशन मिलना तो इम्पॉसिबल है गाइस। और अगर आप इस फाउंडेशन को परचेस करना चाहते हैं तो प्लीज़
नीचे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वहाँ मैंने इसका लिंक आपको मतलब मेंशन कर दिया है, आप वहाँ से जा करके इसको परचेस कर सकते हैं गाइस। और अगर आपको मेरी ये वीडियो आपके हेल्पफुल रही हो, इस वीडियो से आपको ज़रा सी भी मदद मिले तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा, और प्लीज़ गाइस बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू वॉचिंग फॉर माई चैनल, थैंक यू, बाय बाय।